बोलिए पंचमुखी हनुमान की जय। और आज मैं इसी पे बात करने जा रहा हूं कि पंचमुखी हनुमान का नाम हनुमान जी को कैसे मिला, क्यों हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान के रूप में जाना जाता है। एक रामायण की कहानी के साथ में आपके सामने मैं उपस्थित हूं, भगवत सिंह सोलंकी निम्बच। प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध लगभग अंतिम पड़ाव पर था और लगभग प्रभु राम की विजय होने वाली थी कि इसी बीच के अंदर रावण ने अपने भाई अहिरावण को याद किया और अहिरावण माँ भगवती का अनन्य भक्त होने के साथ साथ में जादू टोने में भी बड़ा माहिर था। अपने भाई रावण की सहायता करने के लिए अहिरावण ने उसी जादू टोने का उपयोग किया और अपने जादू के माध्यम से राम लक्ष्मण सहित इसकी संपूर्ण सेना को जो है वो नींद के अंदर सुला दिया। और उसके बाद में प्रभु राम और लक्ष्मण भैया को वो उठा करके पाताल लोक लेकर के गया। जैसे ही जादू का प्रभाव कम हुआ और सब लोग नींद में से जागे, तब जा करके उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु राम और लक्ष्मण वहां पर गायब थे। विभीषण को ये समझने के अंदर अत्यधिक देर नहीं लगी और वो समझ गया कि ये सारा काम अहिरावण का है और उसने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी अब आपको पाताल लोक जाना ही होगा और वहां जाकर के प्रभु राम और लक्ष्मण की रक्षा करनी होगी, उन्हें बचाना होगा। हनुमान जी तो ठहरे भगवान राम के भक्त और राम नाम का स्मरण करके उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर ली और पाताल लोक के अंदर जब वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर प्रहरी, वो भी हनुमान जी का एक पुत्र था मकर ध्वज, लेकिन चूंकि वो अपनी ड्यूटी पर था उसने हनुमान जी को कहा कि अगर इस गुफा में प्रवेश करना है तो यहाँ पिता पुत्र का संबंध काम नहीं आता, ये मामला है ड्यूटी का, कर्तव्य का, कर्तव्य परायणता। रामायण का एक एक पात्र हमें कुछ न कुछ सीख देता है। हनुमान जी को अपने ही पुत्र मकर ध्वज के सम्मुख युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध लड़ने के बाद में जब वो अंदर प्रवेश करने को थे तब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि वहां प्रभु राम और लक्ष्मण को बंदी बना करके उनकी बलि दी जाने वाली है और अहिरावण ने जो है 5 दीपक जला रखे हैं और जब तक 5ों दीपक एक साथ में नहीं बुझाए जाते तब तक अहिरावण का अंत संभव नहीं है। हनुमान जी ने अपने रूप को छोटा करके और गुफा में प्रवेश कर लिया, प्रभु राम और लक्ष्मण के पीछे पहुंचे और उसके बाद में उन 5ों ही दीपकों को एक साथ बुझाने के लिए हनुमान जी ने 5 स्वरूप धारण किए। उन 5 स्वरूपों के अंदर उत्तर दिशा के अंदर वरामुख, दक्षिण दिशा के अंदर नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा के अंदर गरुड़ मुख, आकाश दिशा के अंदर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा के अनुमान हनुमान मुख धारण करके हनुमान जी ने अपनी चालाकी से, अपने बुद्धि कौशल से अहिरावण को अपनी बातों में उलझाए रखा और 5ों रूप धारण करके उन 5ों दीपकों को एक साथ में बुझा दिया। और जैसे ही वो 5ों दीपक एक साथ बुझ गए अहिरावण का अंत हो गया और इस प्रकार से हनुमान जी जो है हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण को वहां से सुरक्षित बचा करके ले आए और उसी दिन से हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान के रूप में पूजा जाता है। तो बोलिए पंचमुखी हनुमान की जय।